हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों तो दोस्तों आज देखिए हमारा वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो है दोस्तों, तो चलिए आप देखिए। हाँ दोस्तों देखिए, आज हम बनाने वाले हैं लस्सी। ये देखिए, इतना दही ला के दी है माँ, और ये चीनी और माँ ला के दी है, कही है बनाओ और पियो। तो देखिए इतना माई दही, जी को बताइए, इतना दही ले लिए हैं। बैठिए माँ जी, और दही बैठिए ना, दही को लगा के दही को इसमें डाल दिए है। ये देखिए आज हम बनाने वाले हैं लस्सी, और थोड़ा सा ले लेते हैं चीनी। इतना इतना चीनी कितना है चीनी कितना चीनी कितना चीनी इतना चीनी ले लिए हैं, अंदाजा नहीं है, भाई से पूछ लियो। और इसमें पानी कमी डालिएगा, पानी डाल लिए है दोस्तों, बढ़के बनेगा लस्सी। कैसे इतना ऊंचा से गिरा रहे हैं, इतना बनेगा लस्सी, ये बनेगा लस्सी। इसके अंदर गिरा दिए हैं, ये देखिए घुमा रहे हैं, ये हो गया अपना बिद्दू पुड़िया लस्सी। दोस्तों ये प्योर गाय का दूध का बना हुआ है दही, और उस दही को हम बना रहे हैं लस्सी। ये देखिए क्या पंजाब में बनेगा लस्सी, क्या पंजाबी पिएंगे। आज हम बिहारी में लस्सी बना दिए हैं, बिहार में आज इसको पंजाबी में पी के पिएंगे तो कहेंगे रे। ये में और अथी डाले क्या जी, पानी ज्यादा नहीं, थोड़ा बनाइए ना, थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। ये है मेरी सासू माँ, सांस ले लेंगे दोस्तों, और हम पीने वाले हैं लस्सी, देहाती लस्सी। देहाती लस्सी मजा आ रहा। क्या आनंद है दोस्तों, अपना आंगन है, आंगन दिखाओ, मेरा आंगन है, मेरा घर है, मेरा घर है दोस्तों। ये देखिए ये वाला मेरा घर है, अपना घर है, अपना 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 घर है अपना। देखिए छोटा छोटा साग है, कितना सारा साग का पौधा है। तो क्या आप हमें पिलाना पसंद करेंगे? इस घर से दूसरे वाले घर पे जा रहे हैं दोस्तों, इस सामने वाला घर है हमारा, यहाँ से घर के लिए जा रहे हैं। तो ये मेरा नया वाला घर है, यहाँ से हम अपना पुराना वाला घर आपको दिखा रहे हैं। ये मेरा पुराना घर है सामने, और यहाँ पर ये NH है दोस्तों, और यहाँ पर ही मेरा दुकान सब है दोस्तों। ये देखिए दुकान, ये हमारा पंखा का दुकान है, ये आप देख पा रहे होंगे। हमारे यहाँ जो है वो सब काम होता है, मोटर वाइंडिंग से लेकर के समरसेबुल वगैरह सब चीज़ का काम होता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे भैया बैठते हैं, यहाँ पर ही हमारे भैया बैठते हैं, और यहीं पर ही काम करते हैं। इसके ऊपर जितना भी है जगह तो उसमें सारे में भैया काम करते हैं, और यहीं से घर का जो है वो जीविका चलता है दोस्तों। तो यहीं से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हर चीज़ नज़दीक है दोस्तों। वो सामने जो है, वो सामने ये वाला जो है वो कॉलेज है, और ये सारे बहुत बड़ा फील्ड है दोस्तों, ये इधर पूरा फील्ड है, और उधर आपको दिखा देंगे जस्ट इसके बगल में, हमारे घर के बगल में ही मिडिल स्कूल है, जिसमें 10th तक के 10th 12th तक के पढ़ाई होती है दोस्तों। अब मिडिल, पहले हम जब हम पढ़ते थे तब मिडिल स्कूल थी, और अब जो है अब 10+2 बन गया है दोस्तों। तो आपको दिखा देंगे, ये देखिए
यही सामने वाला जो है वही मेरा घर है पुराना वाला, जहाँ पे हम आते हैं तो हम रहते हैं। देख पा रहे हैं किस प्रकार से गाड़ी सब जो है वो गाड़ी वगैरह जो है हमारे दरवाजे के ऊपर से ही जाता है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, एकदम गांव जैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ही जो है वो आपको कॉलेज स्कूल वगैरह और दुकान मार्केट ये सब नज़दीक नज़दीक है, और मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ही देहात नहीं कह सकते हैं। ये मेरा प्यारा सा गांव है दोस्तों, आपको और भी सीन दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये देखिए मेरा पुराना वाला लालटेन है, लालटेन ये विलुप्त तो हो गया अब है नहीं दोस्तों, क्योंकि किरोसिन वाल जो है वो गवर्नमेंट अब दे नहीं रही है दोस्तों, तो ये जो है ये रोकना है भाई। ये देखिए दोस्तों ये जो है लालटेन आज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, बस इसमें जो है किरोसिन वाल नहीं है, नहीं तो आपको फिर से इसको हम चालू करके दिखाते हैं। और इसी में हम लोग जो थे वो पहले पढ़ते थे, ये पुरानी यादें आप लोग देख सकते हैं और कितना संजो के रखा गया है। ये था दोस्तों मेट्रोला का फ्लिप वाला फ़ोन, ये देखिए ये टूट गया है, लेकिन आज भी घर में मतलब कुछ भी होता है वो अवेलेबल ही रहता ही है, फेंकते नहीं है। ये सब जो है दोस्तों अब म्यूजियम में रखने वाला चीज़ हो गया है हमारे यहाँ। आप लोगों को मेरा लालटेन देख करके कैसा लगा बताइएगा कॉमेंट में, है ना, क्योंकि हमको तो देख करके एकदम मन खुश हो गया, ये भाई आज तक की जो उगाया हुआ है सामान संजो करके रखे हैं इतना मतलब बढ़िया से, है ना। ये देखिए पहले इससे जो था ना, इससे दोस्तों ये देखिए इससे जो होता है कि इसको दबाने के लिए स्टैंड दबा के माचिस जला के इसमें लगा के इसको ऐसे करके इसको ऐसे फिर इसको डाउन कर दिया जाता है, जलते रहता है। और ये जो है एक तरह से समझिए तो ये रिमोट है इसका, बुझ गए दोस्तों, अप एंड डाउन करने का। इससे कम बेस इससे लाइट जो है वो कम बेस करा करते हैं, ज़्यादा करना हो तो ऐसे घुमा दिए, कम करना है तो ऐसे घुमा दिए दोस्तों। पहले भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी और ये सबसे बढ़िया जुगाड़ था घर के लिए। कितना आंधी तूफान आ जाए इसकी लाइट बंद नहीं होने वाली रहती थी। हाँ दोस्तों बहुत मज़ा, आपको मेरा लालटेन देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। दोनों पैर को एक जगह कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा प्योर गाय के दूध का दही बना हुआ उसका लस्सी हम पिए ओरिजिनल, बहुत मजा आया दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा और पुराना संजोया हुआ लालटेन और मेट्रोला का फोन ये सब विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों, तो इस पे हमने वीडियो बनाया दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा मेरा घर देख करके मेरा दुकान देख करके ये आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना रिएक्शन दीजिए दोस्तों, और चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।